فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين عليهم السلام: ما بمكة والمدينة 20 رجلا يحبنا. صلوات على محمد وآل محمد. ठीक है, उसको उसको गुफ्तगू हमारी चल रही है हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह के गुफ्तगु हमारी चल रही है। आप ठीक है, ये भी सही हुआ, वरना ये हल्का था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह के उस फकरे के सिलसिले में जो मशहूर है हमारे दरमियान रिसालतुल हुकूक के तौर पर, और अब इस साल जो बात पहुंची है वो 24वां हक, हमारे ऊपर हमारी औलाद का हक क्या है। जाहिर सी बात है कि कोई भी इस कायनात में बगैर हक के नहीं है। हमारे ऊपर कुछ लोगों के हुकूक हैं और कुछ लोगों के फराइज हैं। तो औलाद का हक हमारे ऊपर क्या है? जो हक उनका है वो हमारे ऊपर फर्ज है। तो क्या हक है औलाद का? कल से बात शुरू हुई है, तो जो उनका हक बनेगा वो हमारे लिए फर्ज बन जाएगा। अब बात यहां तक आई है कि औलाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया औलाद के सिलसिले में, फरमाते हैं अम्मा हक वलदिक। अब जहां तक मामला है तुम्हारी औलाद का, तुम्हारे ऊपर क्या हक है, तो पहली चीज ये कि तालम अन्नहु मिनक, वो तुम्हारी वजह से है। व मुदाफुन इलैक फी आजल दुनिया बखैरिही व शर्रिही, और ये तुमसे जोड़ के देखा जाएगा इस दुनिया में भी, चाहे खैर हो चाहे
शर हो, यानी औलाद अच्छा करेगी तब भी उसको हमारी तरफ जोड़ा जाएगा और औलाद बुरा करेगी तब भी हमारी तरफ जोड़ा जाएगा। और यही नहीं कि सिर्फ जोड़ा जाएगा, आखिरत का मामला यह है कि वह अन्न के मसूल अदब, और कल को कियामत में तुमसे सवाल किया जाएगा कि जिन बच्चों की सरपरस्ती तुम्हारे जिम्मे थी उनकी तुमने तरबियत कैसी की, उनकी परवरिश कैसी की। तो कुछ बातें अर्ज की गई, आज उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। पहली चीज यह है कि देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम अपने को बाप समझते हैं, तो नतीजे में जो बच्चा है हम अपना यक समझते हैं कि जितना चाहे उसको डांटे, जितना चाहे उसको फटकारे, जितना चाहे उसको बेइज्जत करें, इसलिए कि हम बाप हैं, हमको आग करने का भी हक हासिल है। जबकि रिवायात कहती है कि देखिए, चाहे औलाद हो और चाहे आम आदमी का बच्चा हो, हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं इज्जत नफ्स का एहसास होता है। वो 5 साल का बच्चा भी है तो उसको भी अपने अंदर इज्जत नफ्स का एहसास होता है। आज अगर बचपने में उसकी तौहीन करेंगे, उसकी तहकीर करेंगे, तो यही चीज आगे बढ़ के उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लिहाजा अपना बच्चा भी है तब भी उसके साथ इज्जत से पेश आओ, आप कह के पेश आओ, और तुम तराक हल्का समझना, ये दीन ने मना किया है। चुनांचे रसूल खुदा फरमाते हैं कि रहमल्लाहु वालिदन आना वलदहु अलल बिर, अल्लाह रहम करे उस बाप के ऊपर जो अपने औलाद का मददगार हो उनकी नेकियों के तौर पर। मसलन आज आप बच्चे को एहतराम से बात करेंगे तो उसकी आदत बनेगी दूसरों से एहतराम से बात करने की, तो ये उसकी आदत डालना चाहिए। और यही नहीं कि सिर्फ जो है आप इज्जत से बात कीजिए, बल्कि रिवायत यहां तक कहती है अक्रमु औलादकुम, अपने बच्चों की इज्जत करो। हमारे दिमाग में घुस गया ना कि हमारा बेटा है, हम जैसे चाहे पेश आए। आपका बेटा भी है लेकिन जैसे हम आप अल्लाह के बंदे हैं वैसे ही वो भी अल्लाह का बंदा है, तो हमको ट्रीट करना पड़ेगा बंदे खुदा की हैसियत से। हर इंसान की इज्जत करना है तो अपने बच्चे की भी इज्जत करना, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो। फरमाते अक्रमु औलादकुम, अपने बच्चों का इकराम करो, इज्जत करो। वअहसिनु आदाबहुम, और उनकी अच्छी तरबियत करो। तुम्हारा बेनिफिट यह है युगफर लकुम, अल्लाह तुम्हारी बोलिए मगफिरत करने वाला है। सलावात पर मोहम्मद वहा। और इसीलिए जो इमाम का जुमला था क्या कि वह अन्नकम मसूलुन अम्मा वल्लैतहु बे, कल को कियामत में तुमसे सवाल किया जाएगा कि हमने इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर दी थी। वो देखिए एक चीज और कह दे, नतीजा हमारे इख्तियार में नहीं है, ये बात, ये एतराज हो सकता है, नतीजा हमारे इख्तियार में नहीं है, जिम्मेदारी हमारी जो है वो पूरी करनी है। नतीजा बरामद होता अल्हम्दुलिल्लाह, नतीजा बरामद नहीं होता, आप सोच सकते हैं क्या माज़ अल्लाह के हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद की तरबियत में कोताही की होगी। नबी है लेकिन अपना बेटा कश्ती पे सवार नहीं हुआ, अपना बेटा जाके गर्क हो गया, तो उसमें गलती नूह की नहीं अल्ली, तो ये जवाब हम नहीं दे सकते चलो देखा जाएगा नूह का बेटा भी खराब हो गया। वो खराब हो जाए मगर अगर हमने कोताही की है हमसे पूछा जाएगा, हमने जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब वो खराब हुआ तो कम से कम ये कहने का हमको हक तो रहेगा कि पालने वाले जो तूने हुक्म दिया था हमने पूरी कोशिश की है। चुनांचे आप कोशिश कीजिए, आपका नतीजा आपके हाथ में, क्या युगफर लकुम, अपने बच्चों का इकराम करो, इज्जत करो। व अहसनु आदाबहुम, और उनको अच्छा अदब सिखाओ। ये तो बात कुरान ने भी कही है। देखिए असल तरबियत किसकी है, जिम्मेदारी
अल्लाह की, असल तो अल्लाह की है ना। कुरान कहता है इन्ना हदैनाहु सबील, हमने राहें बता दी हैं। वो अंबिया के जरिए बताई है, वो औलिया के जरिए बताई है, वो इमामों के जरिए बताई है, वो वालिदैन के जरिए बताई है, लेकिन असल काम उसका, हमने पैदा किया, हम रास्ता बताएंगे, लेकिन गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम जो रास्ता बता रहे हैं उस पर सही चलेगा आदमी। लिहाजा कुरान खुद भी कहता है इन्ना हदैनाहु सबील, हमने रास्ता दिखला दिया है, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, अब चाहे तुम शुक्रगुजार बन जाओ, चाहे तुम नाशुक्रे बन जाओ, कुफराने नेमत करो, हमने अपना काम कर दिया। वैसे ही वालिदैन की जिम्मेदारी है, अपना आप काम कर दीजिए, नतीजा निकला अल्हम्दुलिल्लाह, नतीजा नहीं निकला वो खुद झेलेगा, लेकिन अगर हमने कोताही की है तो मसूल अन रईयते, हमसे पूछा जाएगा कि तुमने अपने बच्चे को कुरान क्यों नहीं सिखाया, सलावात पर मोहम्मद आल, बल्कि रिवायत सुन लिया। बल्कि ये जो पूरा, ये तो औलाद की बात है, लेकिन बीच में एक बात है, ये पूरा समाज, हम सब एक दूसरे के जिम्मेदार हैं। मसलन हमने कोई काम गलत किया, आपने देखा, तो ये कह के आप नहीं बच सकते, ना हमसे क्या मतलब, मौलाना है करना, उसूल दीन फरूए दीन कितने हैं सर, अव्वल नमाज, रोजे, हज, जकात, खुम्स, हफ्तों, अमर बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ के माना क्या, यानी नेकियों की हिदायत करना, आठवें नहीं अनिल मुनकर, बुराइयों से रोकना। नमाज सबके ऊपर वाजिब है कि कुछ खास लोगों पर, रोजा, जकात, खुम्स, तो ये सारी चीजें सबके ऊपर वाजिब है, तो अम्र बिल मारूफ सब पर वाजिब है, नहि अनिल मुनकर, और इसका नुकसान पता है क्या है, सलावात पर मोहम्मद आल, अम्र बिल मारूफ। कल एक हल्का सा इशारा किया गया था अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के उस वसीयतनामे का, जिसमें यतीम के बारे में मामले, उसी वसीयतनामे में यह भी है कि खबरदार अम्र बिल मारूफ तर्क मत करना, नहि अनिल मुनकर तर्क मत करना। इसका नुकसान जो मौला ने बताया वो गजब का है कि अगर अम्र बिल मारूफ करना छोड़ दोगे, नहीं अनिल मुनकर करना छोड़ दोगे, तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर अशरार को हाकिम बना देगा, और नतीजा यह होगा कि तुम्हारे अखियार उनके लिए बद्दुआ करेंगे, अल्लाह उनकी बद्दुआ भी नहीं सुनेगा। तो यह आज जो हमारे साथ हो रहा शायद हमारे अपने अमाल का नतीजा हो। तो हुक्म इलाही यह है कि कोई ये कह के नहीं बच सकता हमसे क्या मतलब, इनका बच्चा है ना। अब उस सिलसिले में आप यहां रिवायत सुन लीजिए, अला कुल्लुकुम राइन, राई माने अगे गुफ्तित चरवाहा, राई हा रियायतुल गनम, चराने वाला। अब आप लोग तो शहर के लोग हैं, आप लोगों को इन चीजों का इल्म नहीं है, मैं समझाता हूं, इनको शायद इनके इलाके में रहा हो इनको पता होगा, वरना होता क्या था कदीम जमानों में, लोग जो है देहात में गांव में जानवर पालते थे, तब ये ट्रैक्टर वगैरह तो होते नहीं थे, तो किसी के पास दो बैल हैं, किसी के पास चार बैल हैं, जिसकी जैसी खेती है, उसके साथ एक गाय है और एक भैंस है, तो किसी के यहाँ पाँच जानवर है, किसी के यहाँ चार जानवर है, तो अब जाहिर सी बात है कि जानवरों का टहलना भी जरूरी है, जैसे हमारा आपका, अब जिस डॉक्टर के पास जाइए आप शुगर लेके, तो पहला जुमला क्या होता है डॉक्टर का, 5 किलोमीटर टहलिए मौलाना, बगैर उसके दवा का कोई फायदा। तो ये कदीम जमाने से टहलना जरूरी है, तो अब जाहिर सी बात है कि एक बड़ा
आदमी जमींदार है, उसके पास इतना वक्त थोड़ी है कि वो जानवर लेके टहलेगा। तो नतीजा ये होता था कि कुछ लोगों का यही काम होता था, जानवर को चराना। वहां से चले, आपके घर के पास पहुंचे, चार जानवर आपके ले लिए, आपके पास पहुंचे, दो जानवर आपके ले लिए, आपके पास पहुंचे चार, मान लूंगा 50 जानवर पूरे गांव के हो गए। दो लोग हैं डंडा लिए हुए, मैदान में ले गए, चरा वरा के शाम को पलटे, आपके जानवर आपके यहाँ, वहां 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 आपका काम हो गया कि जानवरों की टहल हो गई। अब किसी ने 100 रुपए दे दिए, किसी ने 50 रुपए दे दिए, जिसके जैसे जानवर, तो महीने में उसकी एक आमदनी हो जाती थी, आपका काम हो जाता था। अब उसकी मिसाल देता हूं मैं। अब वो लेके चला चरवाहा, चरवाहा उसका एक जानवर भी नहीं है। कमाल यह है कि जो चराने जा रहा है, एक भी जानवर 50 में से उसका नहीं है। अब 50 जानवर चर रहे हैं, इतने में साहब बगल में मेरी जमीन थी मसलन, हमने उसमें जो है वो नया नया बाग लगाया था, आम के दरख्त और ये वो, और हल्का सा कुछ बैरिकेटिंग कर दी थी। एक इनकी भैंस थी, वो जरा ताकतवर और मजबूत, उसने साहब एक जंप लगाया और वो बैरिकेटिंग तोड़ के मेरे बाग में आ गई, और जब तक वो चरवाहा देखे दौड़े तब तक 10 पेड़ खा गई। तो खाया किसके जानवर ने? इनके। जिम्मेदार कौन है? समझ में आया? क्या क्या मिसालें रिवायत में दी, खाया इनके जानवर ने। सवाल किससे होगा? चरवाहे से। तो चरवाहा ये कह के नहीं बच सकता कि साहब हमारे जानवर नहीं थे। कहा नहीं, तुमको जिम्मेदारी दी गई थी। यह हदीस कहती है कि तुम ये कह के नहीं बच सकते कि इनका बेटा था, इनका भाई था। कुल्लुकुम राइन, तुम में का हर आदमी समाज का चरवाहा है। सलावात दरबार में सुनिए आप रिवायत क्या कसम की। और यहां से अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की अजमत का अंदाजा होगा। खामोश नहीं रह सकते, फरमाते कुल्लुकुम राइन, हर आदमी चरवाहा है। वकुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिह, और सबसे सवाल किया जाएगा उसकी रईयत के बारे में, जिसकी जिम्मेदारी है। फल अमीर, अब फिर अलग भी किया रसूलुल्लाह ने, फल अमीर अलन्नास राइन, हाकिम लोगों का चरवाहा है। वहुवा मसूलुन अन रईयतिह, पूरी रियाया के बारे में हाकिम से सवाल होगा कि साहब इनके साथ ये सब हुआ, आप अमीर थे, आपकी जिम्मेदारी। वर रजुल राइन अला अहले बैत, मर्द अपने घर का चरवाहा है, तो घर का जो मर्द है उससे सवाल किया जाएगा कि तुम्हारा बेटा यहां क्यों गया, तुम्हारा भाई वहां क्यों गया, तुम्हारी बेटी वहां क्यों गई। वह हुआ मसूलुन अनहुम, हर घर के मर्द से पूछा जाएगा उसके घर वालों के सिलसिले में। खाली मर्द ही नहीं, फल मर अतुरातुन अला अहले बैत बालिहा, और औरत भी जिम्मेदार है अपने शौहर के घर वालों के लिए। समझे क्या होगा? मसलन शौहर तो तुम्हारा सुबह से काम पे चला जाता है, उसके घर में उसकी माँ है, उसके घर में उसका बाप है, उसकी दवा कौन देगा? वो बेचारा अगर मार्केट नहीं जाएगा तो कमाएगा क्या? घर में आप हैं, लिहाजा अब औरत जिम्मेदार है अला अहले बैत बालिहा, अपने शौहर के घर वालों के, उसके माँ, उसके बाप, उसकी औलाद, उसके बच्चे। वुल्दे वही मसूलतुन अनहुम, तो उस औरत से सवाल किया जाएगा कि तुम्हारे शौहर के बच्चे क्यों बिगड़े, तुम्हारे शौहर के बाप की दवा क्यों नहीं टाइम पे मिली, तुम्हारे शौहर की माँ के साथ ये क्यों नहीं हुआ। आम तौर पर हमको ये हदीस याद रहती है कि जिम्मेदारी नहीं है कोई, मेरी शादी तुमसे हुई है, तुम्हारी मां से नहीं हुई है, बोलते नहीं बोलते, मेरी शादी तुमसे हुई है, तुम्हारे बाप से नहीं हुई है। बेशक, लेकिन यहां पैगंबर फरमाते हैं आई हो तो तुम सबकी जिम्मेदार हो। सलावात पर मोहम्मद आले। अला फिर फरमाते अला फकुल्लुकुम राइन
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, تم میں کا ہر شخص چرواہا ہے اور سب سے قیامت میں سوال کیا جائے گا. چنانچہ امام حسن سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں رحم اللہ امرأً, خدا رحمت نازل کرے, رحم فرمائے اس انسان پر, وعد نفسہ, کہ پہلے تو وہ اپنے نفس کو نصیحت کرے, اس پر بھی بات آئے گی کہ امر بالمعروف بھی پہلے خود کو کیجیے پھر دوسروں کو کیجیے. وعد نفسہ, اللہ رحم کرے اس انسان پر جو پہلے اپنے نفس کو واس کرتا ہے, وعد اخاہ اہل بیتہ, اس کے بعد اپنے بھائی اور گھر والوں کی نصیحت کرتا ہے. یہ بھی جب آپ اس پر جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ جب تک ہم خود اپنے کو درست نہیں کریں گے ہماری زبان میں اثر نہیں ہوگا. تو لہٰذا امر بالمعروف واجب تو ہے, لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو بہرحال یہ موضوع سے ہٹتی جا رہی ہے بات, بات ہے اولاد کی تربیت. چنانچہ روایت کہتی ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ نظر الى بعض الاطفال, اب یہ دیکھیے ذمہ داری کتنی بڑی ہم لوگوں کی ہے, رسول اللہ کی نظر پڑ گئی بعض بچوں پر, فقال ویل لاطفال آخر الزمان من آبائهم, ویل ان بچوں پر, آخری زمانے کے بچوں پر, ان کے آبا کی طرف سے, ان کے باپوں کی طرف سے. فقیل یا رسول اللہ من آبائهم المشرکین, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو بے دین باپ ہیں, مشرک باپ ہیں, ان کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. فقال اللہ من آبائهم المؤمنین, جی مومن ہوں گے ماں باپ, میں ان کی بات کر رہا ہوں, مطلب لا يعلمونهم شيئا من الفرائض, آخری زمانہ وہ آئے گا کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو دینی فرائض نہیں سکھائیں گے. اچھا دیکھیے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جن کو قدرتاً یہ توفیق مل جاتی ہے, دیکھا نہیں دیکھا, وہ مجلس بھی آتے ہیں, وہ دین بھی سمجھنا چاہتے ہیں, وہ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں. اتفاق سے ان کے ماں باپ بالکل الٹے نکل آتے ہیں, غور کیا نہیں کیا, تمہارا امتحان ہے کل کو اور تم چلے گئے وہاں قرآن سیکھنے کے لیے, پہلے یہ دیکھو, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا وائے ہو آخر زمانے کے بچوں پر ان کے باپ کی طرف سے. لوگوں نے کہا من آبائهم المشرکین, مشرک باپوں کی بات کر رہے ہیں, فرمایا نہ من آبائهم المؤمنین, یہ مومنین باپوں کا حال یہ ہے. کیوں؟ کہا ان کو کچھ دین سکھاتے نہیں, اور اگر وہ خود سیکھنا چاہتے ہیں, وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ, اور اگر خود اولاد بیچاری سیکھنا چاہتی ہے, مَنَعُوهُمْ, ان کو روکتے ہیں, جاؤ پہلے اپنے ایگزام کی تیاری کرو, وَرَضُوا عَنْهُمْ, اور بھائی اسی پہ یہ خوش ہیں, بِعَرَضِ يَسِيرٍ مِّنَ الدُّنْيَا, کہ یہ تو صاحب جو ہے وہ انجینئر ہو گیا, آئی ٹی کر لیا, فلا کر لیا, اب اس کو تو 3 لاکھ مہینہ ملنے لگا, اسی پر یہ خوش ہے. مطلب گویا کہ یہ ہے کہ یہ 3 لاکھ مہینہ کتنے دن ملے گا, ان کو تو شاید 40 سال ملے, مگر تم کو کتنے دن ملے گا, 20 سال, 15 سال, اے تم تو نکل لو گے نا, تم چند سکوں کے لیے اپنے بچوں کی عاقبت خراب کرو گے, تم سے بھی سوال ہوگا. من الدفعنا منهم بریء, اللہ پیغمبر فرماتے ہیں میں ایسے باپوں سے بری الذمہ ہوں, بری ہوں, مجھ سے کوئی مطلب ایسے باپوں سے نہیں ہے جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے, اور میں کیا وہ خود مجھ سے بری ہے, صلوات پر محمد. مطلب گویا نبی فرماتے ہیں آسان زبان میں یہ کہا جائے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے, نہ ان کا مجھ سے کوئی واسطہ ہے, نہ مجھ کو ان سے کوئی واسطہ ہے.
अब अगर पैगंबर किसी के लिए कह दे कि मुझसे तो तुमसे कोई मतलब नहीं, फिर हमारी दुनिया भी गई, हमारी आखिरत भी गई। सलावत और सुनाए आपको अल्लाह सदका, ये सुन लीजिए आप, सदके के बारे में आप हजरात क्या फरमाते हैं, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अम्सालिहा, जो एक नेकी लेके आएगा उसको एक के बदले कितना दिया जाएगा, 10 दिया जाएगा। चुनांचे रिवायत कहती है कि सदके का सवाब 10 गुना है, कर्ज देने का सवाब 18 गुना है। लेकिन हम उधर कर्ज पे नहीं जाना है, बात सिर्फ सदके की है। क्या सदके का सवाब 10 गुना है, यानी एक रुपए किसी की मदद करेंगे अकाउंट में कितना लिखा जाएगा, बोलिए 10 रुपया। और एक रिवायत तो और बड़ी गजब की है, तुम्हें उतनी दूर कहां चले गए तुम, है जिनसे पूछना है उनको अच्छा लोग कहते हैं इनकी मजलिस में आगे ना बैठो, अच्छा उसी लाइन की है क्या आप भी। बहरहाल तो आए बाबाई सदका निकालते हैं ना, कितना 10 रुपया, 5 रुपया, हाँ करबला जाने लगे तो 50 रुपया, बस ना 100 रुपया। है कोई आदमी जो रोजाना 1000 रुपये सदका निकालता हो, 10,000 सदका निकालता हो, 50,000 रुपये रोज सदका निकालता हो, है कोई, कहाँ है, कौन। अब रिवायत सुनिए, रिवायत कहती है कि अगर कोई किसी को कर्ज दे दे, मसलन हमने इनसे, क्या नाम बेटा आपका, आओ डर गया मैं, बहुत एहतियात करना चाहिए, वो बाबाई निकल गया, मैंने कहा यार कह तो दिया मैंने, अभी कोई कहेगा वो बिस्कुट पहुंचाया इसलिए नाम ले रहे हैं, तो भैया बहुत एहतियात मेंबर वालों के लिए जरूरी है। तुम बताओ बेटा तुम्हारा क्या नाम है, फाजिल। तो फाजिल भाई से हमने कहा यार जरा परदेश में हूं क्या करूं, जरा काम है, 50,000 रुपए दे दो। कब दीजिएगा मौलाना, मैंने कहा बस इंशाल्लाह 15 अगस्त को, फहमी थी है ना, फहमी थी होगा, ठीक है। अब 15 अगस्त गुजर गई, कुछ हालात ऐसे हुए नहीं दे पाया, तो दीन क्या कहता है, दीन क्या कहता है, चोर है वो जो कर्ज लेके न दे। अस्सुर्राक सलासतुन, चोर कितने, बोलो 3। नंबर 1 जो एक्चुअल में चोर है वो गया साहब ताला तोड़ के मेरा मोबाइल निकाल लेंगे, वो कौन है, चोर। 2 मुस्तहिल्लु मुहूरिन निसा, बीवी का मेहर नहीं देंगे क्या कर लोगी, कल को कयामत में इसके ऊपर चोरी का मुकदमा चलेगा, मेहर ना देने वाला चोर। 3 कोई किसी से कर्ज ले और नीयत ये होगा मैं देता कौन है, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, तो उसका भी शुमार काहे में होगा, तो हम नहीं दे रहे तो हम क्या है, चोर है। लेकिन एक वक्त यह कि हम मजबूर हैं, हम देना चाहते हैं लेकिन हमारी औकात नहीं है, कुछ हालात इस तरह के बन गए कि नहीं दे पा रहे, तो अब इनको दीन क्या कहता है मालूम है, फाजिल बेचारा मजबूर है। कहने साहब 15 अगस्त का वादा था, कहा हाँ हम भी जानते हैं वादा था बट उसकी मजबूरी जेन्युइन है, तो थोड़ा टाइम दे दो हमें क्या मिलेगा। अब यहां रिवायत कहती है कि अगर कर्ज वाला उसको मोहलत दे दे तो एक्चुअल जो डेट है उसके बाद जितना लेट होगा डेली इनके अकाउंट में वो रकम सदके के तौर पर लिखी जाती रहेगी, यानी अब रोजाना जब तक मैं नहीं दे पा रहा हूं फाजिल भाई के अकाउंट में, बोलिए 50,000 सदका। और सुनिएगा सलावत बर मोहम्मद, कुछ लोग होते टाइम कहीं से लाके दो, हम नहीं जानते, वादा वादा है,
तीन भी कहता कर्ज लिया है तो अदा करो, लेकिन कर्ज वाले से कहता देखो सामने वाले को देखो। एक शख्सियत थी बड़ी गजब की, इब्ने अबी उमैर, क्या नाम था, मोमिन आदमी, अरेस्ट हो गए। इनसे कहा गया जो मेन मेन शिया है उनके नाम बताओ, इन्होंने नहीं बताया। हुक्म हुआ 100 कोड़े मारो इनको, 100 कोड़े खा लिए, नहीं जबान खोली। हुक्म हुआ 100 और, इब्ने अबी उमैर कहते हैं डर गया मैं, 100 के बाद अब दूसरा सैकड़ा आसान दिमाग में आया है, 2-4 नाम ले लो जान छुड़ाओ। तो कहते हैं तब तक मेरे कान में आवाज आई, नाम भी लिया कि फला आदमी की, कि गोया कह रहा है कि इब्ने अबी उमैर इत्तकिल्लाह, इब्ने अबी उमैर डरो खुदा से। कहले वो जबा वो आवाज ऐसी थी मेरे अंदर ताकत आ गई, मैं वो भी दूसरा 100 बर्दाश्त कर ले गया, नहीं खोला नाम, जेल चले गए। बड़े कारोबारी थे, कपड़े का कारोबार था। अब जाहिर सी बात है मालिक जेल चला गया तो कोई इधर लेके भागा, कोई उधर लेके भागा। ये मालूम है ये हदीसें जो हम तक पहुंची हैं कितनी कीमत अदा की गई है उसकी, जो हम लोग बड़ी आसानी से आके बयान करते हैं। इब्ने अभी उमर की एक बहन थी, तो उनको पता था कि इनके दोस्त कौन कौन है, तो दोस्तों को बुलाया, कहा हमको एक संदूक चाहिए, कोई लकड़ी ऐसी है कि जो मिट्टी में भी 100 साल खराब नहीं होती, तो महंगी है। संदूक बनवाया, कुछ कापियां थी, उस संदूक में रख के जमीन में दफन कर दिया। तो इब्ने अबी उमैर के दोस्तों ने कहा कि इतना सारा माल लूट रहा है उस पर तवज्जो नहीं है, और ये कापियां बचाने के लिए इतना महंगा संदूक, कहा अगर मेरा भाई छूट के आएगा अल्लाह की मर्जी होगी फिर बिजनेस खड़ा कर लेगा, उसका टेंशन मुझको नहीं है। तब ये कहा इन कापियों में अहादीस मासूमीन है, उलूम आले मोहम्मद है, ये जाया हो जाएंगे तो फिर नहीं मिल। इस तरीके से बचा के हम तक ये रिवायतें पहुंचाई गई हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम। कुछ दिनों के बाद ये जेल से आजाद हो गए तो सारा बिजनेस तो लुट गया है। अब ये बेचारे छूट के घर आए, सोच रहे कहां से स्टार्ट करें, खाने तक को तो है नहीं। कि इतने में एक आदमी आया उस जमाने का 10,000 दिरहम लेके इब्ने अबी उमैर के पास, हुजूर ये क्या है? तो वो जेल जाने से पहले कुछ जरूरत थी आपसे, मैंने कर्ज लिया था। कहा याद है मुझको कर्ज दिया था मैंने तुमको, तो कहा वो कर्ज अपना वापस ले लीजिए। कहा वो तो ठीक है मगर जहां तक मुझको पता है तुम्हारी औकात नहीं है वापस करने की, ये 10,000 तुम लाए कहां से पहले ये बताओ। कहने लगे साहब मैंने अपना घर बेच दिया। क्यों बेचा? कहा इसलिए कि मेरे वक्त पर आप काम आए थे और ये आपका पैसा और इस वक्त आपको जरूरत है तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने घर बेच दिया कि पैसा आपका कर्ज अदा करूं। कहा सुनो ये जो तुम 10,000 लाए हो इसके एक एक दिरहम का मैं मोहताज हूं जरूरतमंद हूं, लेकिन ले जाओ मैं नहीं कबूल कर सकता। दावाए तशय्यो और है, अमामा लगाना और है, कबा पहनना और है, और मुती अहले बैत इस तरह होना और है। कहा ले जाओ मैं नहीं ले सकता। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मुझसे मेरे मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया और फरमा रहे आप, मुझसे मेरे इमाम ने फरमाया है कर्ज की वजह से किसी की छत नहीं छीनी जा सकती। तो बहरहाल खुलासा कलाम तो सदके के बड़े फजाइल हैं, सदके की बड़ी रिवायात है। अस्सदकतु तरुद्दुल बला, सदका बलाओं को बोलिए दूर करता है। अस्सदकतु दवाओ, बोलो हसीब भाई, 70 का सदका 70 बीमारियों की दवा है। हो गया ना सदके के बारे में, मैंने करीब 10 मिनट आपका 15 मिनट ले लिया। उसके बाद अब रिवायत सुनिए तरबियत औलाद की अहमियत कितनी है। सलावात दर मोहम्मद।
रसूल खुदा, लिहाजा वक्त निकालो मौली साहब, दो चार मजलिसें कैंसिल करो वसी हसन साहब, घर बैठो अपने बच्चों की तरबियत की खातिर। पैगंबर फरमाते हैं अहदुकुम वलदहू या वोल्दहू खैरुन लहू मिन अन यतसद्दक बिनिस्फ साइन कुल यौम। आदमी घर बैठ के अपने बच्चों की तरबियत की कोशिश करे वो कहीं ज्यादा बेहतर है रोजाना निस्फ सा सदका करने से। सलावात, गौर फरमाया आपने, इतनी अहमियत है तरबियत औलाद। मा नहल वालिदुन वलदन नहलन अफ़ज़ल मिन अदब हसन। हर बाप अपने बच्चों को गिफ्ट देना चाहता है ना, सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है? पैगंबर फरमाते हैं सबसे अच्छा तोहफा और हदिया तरबियत है, अच्छा अदब है। ला मीरा सकल अदब। आप घर छोड़ के जाइए, आप प्रॉपर्टी छोड़ के जाइए, है ना, वो सब एक तरफ, लेकिन अच्छी तरबियत से बढ़ के कोई मीरास नहीं है। ला मीरा सकल अदब। वो सब सहीफे सज्जादिया तो होगा ना आपके यहाँ। पहले दिन हमने अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि जो तरीके इमाम ने तरबियत के अपनाए हैं उसमें एक तरीका क्या था, दुआओं का भी, तो जिसमें सहीफे में 25वें नंबर की जो दुआ है वो औला बच्चों के लिए है। पता है उसमें इमाम की दुआ क्या है? ये भी आप अल्लाह से फरियाद कीजिए कि खुदा हमको तौफीक दे अपने बच्चों की तरबियत और अपने बच्चों की तालीम का। उसी में फरमाते वाइन्नी अला तरबियतहिम, परवरदिगारा मेरी मदद फरमा कि मैं अपने बच्चों की, बोलिए, तरबियत कर सकूं। व तअदीबहिम व बिर्रहिम, उनको नेकी पर लगा सकूं, उनको अच्छा अदब सिखा सकूं। चुनांचे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह, अब यहां से एक चीज फिर घूमेगी, तरबियत का आगाज कहां से होगा? आए पैदा आए बचपने से, एक दो, किसने कहा शिकम से? शिकम से दो, दीन कहता जी नहीं, न बचपने से न शिकम से, और पहले से। वो जो यूनिवर्सिटी जाके दोस्ती करते हैं उससे बचिए, ये आज की दोस्ती नहीं है, कल की माँ है, लिहाजा वहां से स्टार्ट कीजिए। सलावात दर मोहम्मद, लिहाजा फरमाते हैं बेटे के तहीं बाप पर तीन चीजें वाजिब हैं। नंबर एक इख्तियारहू लिवालिदते, नंबर एक उसकी मां का इंतखाब। ये आप शादी नहीं कर रहे हैं, अपनी नस्ल के लिए मां का इंतखाब कर रहे हैं। सलावात पर मोहम्मद, इस पर एक एक चीज पर रुकू। तो बेटे के तहीं बाप पर तीन चीजें, बोलिए, वाजिब। नंबर एक इख्तियारहू लिवालिदते, उसकी मां का इंतखाब ढंग का कीजिए। व तहसीनो इसमें, उसका नाम अच्छा रखिए। एक मिजाज हम लोगों के यहां ये हो गया है कि नया हो, नया हो चाहे जैसा हो। आमतौर पे मैं अपने घर में सारे नाम मैं रखता था, तो पांच भाइयों में मिला के आठ लड़कियां हैं और सबका नाम या फातिमा है या जहरा है। अहले बैत के नाम से बेहतर क्या है? सलाम अल्लाह सराएगी नहीं। अब साहब वो अपनी नस्ल तक तो ठीक थे,
अगली नस्ल पोते पोतियों में अख्तियार रह नहीं गया, समझ गया। तो अब मालूम हुआ साहब, मेरा भतीजा था उसके यहाँ बेटी हुई, वही दिल्ली विल्ली में कहीं, तो मैंने कहा भाई नाम मत रखो, पहले पूछ लो, नहीं मालूम बाद में बेइज्जती हो जाए, है। तो मैंने कहा भाई क्या नाम रखा गया, तो पता चला जोया। अब मुझे मालूम ही नहीं था, मैं साहब डिक्शनरी निकाली मैंने, मैं समझा अरबी फारसी कोई लफ्ज होगा, वो डिक्शनरी में नहीं मिला मुझे। तब गूगल पे गया मैं, हाँ, तो पता चला ये रशियन लफ्ज है ना, मतलब अच्छा है उसका, जोया के मालूम है रशियन लफ्ज है, इसके माना होता है महबूब, ये पेदार बाप की चहेती। तो मैंने कहा यार ये लड़के, इनको क्या मतलब, रशिया से कहां से ढूंढ के लाए। फिर तलाश करते करते पता चला कि टर्की का कोई सीरियल है, उसकी हीरोइन है जिसका नाम जोया है। बाबा हीरोइन क्यों ढूंढते हो, फातिमा से बेहतर क्या है, सहरा से बेहतर क्या है, सैनब से बेहतर क्या है, अली से बेहतर क्या है, हुसैन से बेहतर क्या है, सलावत पर मोहम्मद। कुछ ये है इन्नमा युरीदुल्लाह, बोलिए इन्नमा क्या माने है, इन्नमा के बेशक इनाम रखने की चीज है, ये तो एक हिस्सा है ना, इन्नमा युरीदुल्लाह बेशक अल्लाह का इरादा ये है। तो ये बेशक का क्या मतलब हुआ, देखिए अब इन्नमा जहरा रखते हैं ना, रखते हैं, तो ये क्या मतलब भैया, मतलब तो पहले समझ लो कि क्या मतलब हुआ। ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं बहरहाल उस पर। तो देखिए वतहसीन इसमें दूसरी चीज वाजिब, इस पर बात आई क्या, तीसरा सुनाता हूं। दूसरी चीज ये है कि नाम क्या है, अच्छे से अच्छा रखो, वल मुबालगतु फी तादीबे, और अपनी हैसियत से बढ़ के कोशिश करो उन बच्चों की तरबियत पर। ये तीन चीज वाजिब है, सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। चुनांचे इमाम फरमाते हैं कि इन खैरमा वर्रसल आबा ले अबनाएहिम अल अदब ला माल, सबसे अच्छी चीज जो माँ बाप अपनी औलाद को मीरास में छोड़ के जाते हैं वो क्या है, अदब है, न के माल है। और अदब की इतनी ताकीद की गई है कि इन उज्जलत फी उम्र का यौमैन, अगर तुम्हारी जिंदगी के दो दिन बचे हैं, आज और कल मरना है ना, तब क्या फरमाते हैं कि फजअल अहदहुमा लिअदबिक, आज वाला दिन अदब में लगाओ ताकि इसके मुताबिक कल अमल करके मरो, सलावत पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अब कितनी चीजें वाजिब हुई हमारे ऊपर, बोलिए तीन। नंबर एक इख्तियार हूं, भूल जाते हैं इख्तियार हूं ले वाले देते, मां का इंतखाब ढंग से कीजिए, हर कोई जो चीज देखने में अच्छी लग जाए। सादी ने क्या कहा है, ऐसा नहीं है कि हर के बेसूरत क्या है, बेहतर बेकीमत बेहतर, कोई जरूरी नहीं है। चुनांचे रसूलुल्लाह की एक हदीस है और बड़े गजब की है, और ये हदीस हमारे यहाँ तो है ही है, उसूल काफी और वसाइल शिया दोनों से नकल किया गया है, बिरादरान अहले सुन्नत के यहाँ भी यह हदीस है, पढ़ा नहीं है मैंने। एक जमाने में रात को जब रेडियो का जमाना था तो एक वो रेडियो चलता था रात में 8:30 बजे, निदाउल इस्लाम मिन मक्के तल मुकर्रमा, वो मक्के से 1.5 घंटे के उनका अपना ट्रांसमिशन होता था, तो उसको मैं जरूर सुनता था, थोड़ा कुछ अरबी बेहतर हो कुछ स्टाइल। तो एक दिन जो तकरीर आ रही थी उसमें उन्होंने भी ये रिवायत नकल की, तो चौका मैं, मैंने कहा अच्छा इसका मतलब इनके यहाँ भी ये हदीस है। तो एक बात ये तय हो गई कि ये हदीस जो मैं अब आपको सुनाने जा रहा हूं, सुन्नी शिया बोलिए
दोनों के आए। आपके यहाँ उसूल काफी में भी यह हदीस है और वसाइल शिया में भी यह हदीस है। हदीस किससे है? रसूलुल्लाह से। रसूल देखिए, जहां कूड़े वगैरह फेंके जाते हैं उसको क्या कहते हैं? है? कूड़ेदान, या फारसी में कह लीजिए जुबालेदान या आशाल, जहां फेंका जाता हो, या और जरा पुरानी फारसी मजबला, उसको हम लोगों की देहाती जबान में कहते हैं घूर। घूर समझते हैं ना? है इयाकुम व खजराउद्दमन। रसूलुल्लाह ने फरमाया जहां जुबाला फेंका जाता हो घूर की घास से परहेज करो। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? मजबले की, घूर की, हाँ, घास से परहेज करो। घूर में घास कहाँ? जहां गोबर ओबर डाला जाता है, गंदगी डाली जाती है। देखिए आज वो सिस्टम नहीं है, गांव गांव में तो अभी भी है, हमारे अभी भी है, नया खुदवाना पड़ा कि जानवर पालते हैं तो उनका गोबर निकलता है, ये होता है, तो उसको जमीन में गड्ढा बड़ा सा खोद के तो उसके अंदर वो गोबर और सारा कूड़ा वूड़ा फेंका जाता है, और साल भर सड़ता है, पड़ा रहता है, फिर वो उठा के खेतों में डाल दिया जाता है ताकि वो तो खाद बन जाता है, तो उसमें घास निकल आती है। तो चूंकि वो गोबर अब पूरी खाद है तो बहुत जबरदस्त हरियाली होती है। एक तो ये हो गई घास, एक घास वो होती है जो ऊसर बंजर वगैरह में उगती है, तो उसकी डंठलें बड़ी मोटी मोटी होती है लेकिन कोई अच्छी शक्ल नहीं होती, मगर उसको उखाड़ना चाहिए, आप आसानी से नहीं उखड़ेगी, उसको वो खुरपी भी लगाएंगे तो दो बार लगाना पड़ेगी, अंदाजा है नहीं है। मगर ये जो घूर वाली घास है शक्ल बड़ी अच्छी है, एक लड़का भी हाथ लगा देगा तो उसके हाथ में आ जाएगी। समझ में आया? क्या मिसाल है रसूलुल्लाह की। फरमाते इय्याकुम व खदराउद्दमन, परहेज करो घूर की घास से। कीला व मा खदराउद्दमन या रसूल अल्लाह, ये घूर की घास क्या है? फरमाया अल मरअतुल हसना फी मंबतिस सौ, वो खूबसूरत औरत जो गलत खानदान से ताल्लुक रखती है। सलावात दर मोहम्मद, बात चलेगी आगे इंशाल्लाह। ये वो चीजें हैं कि जिस पर हमारे बच्चों को याद दहानी कराना जरूरी है कि तुम्हारे नबी ने कहा है कुनबा देखो, घर देखो, खानदान देखो, उनका दीनी बैकग्राउंड देखो, इसलिए कि खून असर करता है, दूध असर करता है, और अगर असर ना करता होता तो अली जैसा साहिब-ए-ज़ुल्फ़िकार कभी ये ना कहता कि अली घराना बताओ। सलावात दर मोहम्मद अली ने तलाश। जब अमीरुल मोमिनीन तलाश कर रहे हैं, घर देखो, कुनबा देखो, खानदान देखो, दीनदारी देखो। अब देखिए एक बात और कह दे, बात का गलत मतलब भी जा सकता है ना, कि साहब मौलाना ने कहा नजीबुत्तरफैन होना चाहिए, बेशक, तो नजीबुत्तरफैन का क्या मतलब हुआ? कि ये सैयद है तो अब सैयद ही के यहाँ करेंगे? बोलिए, तो हजरत अली से बड़ा सैयद कौन था? और जनाब अब्बास की वालिदा कौन थी? उम्मुल बनीन, है ना? तो इसका मतलब यह कि बात वो नहीं है, असल क्या है? वो कुरान, वो हदीस कहती है अल मोमिनो कुफ्वुल मोमिन, मोमिन का जोड़ मोमिन है। समझ गया? अगर अच्छा भी खानदान है और लड़का शराब पीता है, उनका ना दीन कहता खबरदार, चाहे तुम्हारे सगे भाई की औलाद हो, अगर शराब पीता हो तो खबरदार उससे रिश्ता मत करना। सलावात पर मोहम्मद व आल मोहम्मद। बस अब अगर और दूसरी तीसरी चीज पर जाएंगे तो वो
ऐसे ही 10:30 तो बज गया है, 5 मिनट मसाहिब के लिए भी चाहिए, समझ गया बात आ गई है। हालांकि कल इरादा यही था कि मैं जहां तक पहुंचा वहीं से जिंदाने शाम चला जाऊंगा, लेकिन अब हजरत का जिक्र आ गया है तो हजरत का देखिए, और शबे जुमा भी है, शबे दुआ है, शबे जियारत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जियारत सैयदुश्शुहदा सलामुल्लाह अलैह नसीब फरमाए। जो हालात आजकल दुनिया के हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है दुआ करना, या अल्लाह मखसूस 40 की ज़ियारत का ज़माना आ रहा है, दुनिया से जो लोग जहां से भी करबला मुअल्ला ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, खुदा तमाम ज़ुवार हुसैन की तू हिफाजत फरमा। मरहूम शेख जाफर सुस्तरी रिज़वानुल्लाह अलैह, अब आमादा हो जाइए, मुझे नहीं मालूम किसकी क्या हाजत है, किसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन अब बाबुल हवाइज का जिक्र इस मुनासिबत से, तो आमादा हो जाइए अपनी दुआओं के लिए। मरहूम शेख जाफर रिज़वानुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हरम हजरत अबुल फजल में अपने दुआ वगैरह में मसरूफ था, इतने में देखा एक ताबूत लाया गया, 13-14 साल का बच्चा, ताबूत रख दिया गया, जरी पे हाथ रखता है, कहता आका दुनिया में इस माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ को शिफा चाहिए। कुछ ऐसा गिड़गिड़ा रहा था कि मैंने जो है वो दुआ बंद की, उठ के देखा तो वो बुढ़िया आखिरी सांस ले रही थी। मैंने कहा बेटा ले जाओ, इसका वक्त पूरा हो गया, जाओ कफन और दफन का इंतजाम करो। उस लड़के ने गौर से घूर के मुझको देखा, कहता शेख आप आलिम दीन हैं, गैर गैर इनके यहां से ले जाते हैं, गैर गैर इनके यहां से बोलिए ले जाते हैं। अभी 2 साल पहले का किस्सा, किताब का नहीं, मेरे गांव का है, सुन लीजिए आप फिर वापस आता। तो वो एक श्रीवास्तव जी हैं मेरे गांव में, सुरेश बाबू, ताजियेदार भी हैं, बचपने में नौहा हुआ पूरा खानदान उनका ताजियेदार है, उसकी भी रिवायात है, तो यहाँ वक्त ज़ाया करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो जब मैं मुहर्रम के बाद गया तो मालूम हुआ पोता हुआ है, तो मुबारकबादी दी, कहने लगे मगर किस्सा तो सुनो मेरा। मैंने क्या हुआ, कहने लगे कि अब जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो जहाँ जा रहे हैं वो सब कह रहे हैं भैया ऑपरेशन होगा 35,000 रुपये, वो पूरा पैकेज है। तब मेरी औकात नहीं थी 35,000 देने की। तो हमारे यहाँ से कुछ फासले पर 7-8 किलोमीटर बड़ा गांव कहा जाता है, वो 8वीं का जुलूस उठता हुआ, तो कहने लगे जब मुझको कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने साइकिल उठाई और मैं चला गया बड़े गांव, सड़क ही के किनारे वहाँ हजरत अब्बास सलामुल्लाह अलैह का रोज़ा बना हुआ, वहाँ मैंने साइकिल रखी और जाके रोज़े के सामने खड़ा हो गया। और पूरी लड़ाई ये बताइए कहाँ से लाऊं 35,000, मैं अब रिटायर आदमी घर बैठ गया, मेरे औकात नहीं है। और हजरत अब्बास से जो है वो शोर फरियाद करके मैं घर आया, आधी रात को फोन आता है फला जगह नॉर्मल डिलीवरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह 4,000 में काम हो गया। तो वही उस बच्चे ने कहा जब शेख ने कहा कि जाओ कफन और दफन का इंतजाम करो, तो लड़के ने घूर के देखा, कहने लगा शेख आप आलिम दीन है, गैर गैर आके ले जाते हैं, हमको नहीं मिलेगा। कुछ इस अंदाज से उसने कहा, मैंने कहा भी छोड़ो, मैं अपनी दुआ में लग गया। फिर उसने ऐसी जसारत की कि मैं लरस गया, क्या उसने हाथ रखा जरीफ पर और कहता आका गैर गैर को मिलता है, मैं इतनी देर से सुन लीजिए, अगर मेरी माँ को शिफा नहीं मिली मैं नजफ चला जाऊंगा और मौला से शिकायत करूंगा। मैं हिल गया, क्या तरीका है बात करने का, ये कैसी बदतमीजी है। और साहब सिर्फ कहा नहीं, निकल गया। थोड़ी देर के बाद ताबूत में जुम्बिश हुई, वो बुढ़िया उठ के बैठ गई। थोड़ी देर में वो लड़का आया, माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा, बेटे ने माँ का,
तवाफ कर रहे हैं। जैसे ही निकलने लगे मैंने पकड़ा, बेटा बताओ क्या हुआ? कहा तुम तो कह रहे थे मौली साहब कि जाओ कफन और दफन का इंतजाम, देखा ले लिया, मांगने का सलीका चाहिए। कहा हुआ क्या? कहा मैं करबला से बाहर चला गया, करबला से निकल गया कि इतने में देखा एक सवार आया, कहा नजफ, खैरियत, जा रहा हूं मौला से शिकायत करने। किसकी? हजरत अब, अरे खैरियत तो मतलब कहीं नौकर मालिक की शिकायत करते हैं, क्या किया अब्बास ने भैया तुम्हारे साथ? का दुनिया को मिलता है, मेरे पास माँ के अलावा कोई नहीं है, फरियाद कर रहा, अच्छी बात नहीं है, वापस चला जा। कन्हैया साहब मैं तो, कहा भैया तुम्हारी माँ ठीक हो गई है, जाओ। कहा आपके कहने से चला जाऊं, और इतनी दूर आ गया हूं, आ गए मालूम हुआ नहीं तो अच्छा खासा आ चुका हूं ना, कहां मिलेंगे इतने करीम आका जो भी अता भी करें और चाहने वालों की नाजबरदारी भी करें। का नहीं यकीन आता, आओ मेरे घोड़े पे सवार हो जाओ, मैं नजफ पहुंचा देता हूं, करबला पहुंचा देता हूं, अपनी आंख से अपनी माँ को देख लो, अगर शफा मिल गई तो ठीक, नहीं मैं वादा करता हूँ इसी घोड़े से नजफ पहुंचा दूंगा, जाओ जो शिकायत करना कर। जैसे उन्होंने कहा मैं आगे बढ़ा, घोड़े को देखा, हमने कहा साहब तो थोड़ा हाथ तो बढ़ाइए, सहारा तो। जज़ाकुम। एक थे मरहूम सैयद काज़िम, सुन लिए तमाम किया, ज़ाकिर अहले बैत, ख़तीब अहले बैत। तो इनके किसी दोस्त ने एक दिन ख्वाब देखा हजरत अब्बास को, और कि हजरत आए हैं और फरमाते हैं कि काज़िम से कहो मेरे मसाइब क्यों नहीं पढ़ता। तो काज़िम ने आके कहा, दोस्त ने, कि काज़िम भाई मैं पैगंबर हूँ मौला का, तुम तो सुनते हो यार मैं हजरत अब्बास के मसाइब तो पढ़ता हूँ। कब वो तो मैंने कहा, लेकिन आका ने फरमाया कि मेरे जाकिर से कहो वो सख्त मसाइब क्यों नहीं पढ़ता। तो काज़िम ने कहा जल्दी बताओ किस मसाइब की फरमाइश है। कहा आका ने कहा है कि मेरे जाकिर से पूछो जब कोई सवार घोड़े से गिरता है अपने हाथों को टेक देता है, अरे जिसके जिस्म में बाजू ना हो। जज़ाकुम रब्बुकुम। ये एक और बस, दूसरा एक वो भी हजरत ने ही फरमाया, और तमाम आए मैदान में लड़ते लड़ते। एक वक्त वो आया कि जब घोड़े से जमीन पे तशरीफ लाए, इमाम को आवाज दी, हजरत अब्बास के करीब पहुंचे, सर को जानुओं पे रख लिया, भाई भाई से बातें कर रहा है, कोई ख्वाहिश हो तो बोलो, कोई तमन्ना हो तो बोलो, मेरी लाश खैमे में ना ले जाइएगा। क्यों? आप कहते थे ना तुम फौज के सरदार हो, सरदार लश्कर की लाश देख के बीबियां बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। दूसरी वजह यह है कि मैंने बच्चों से पानी का वादा किया था, मैं नहीं चाहता बगैर पानी के मेरी लाश भी जाए। दूसरी ख्वाहिश यह है, क्या आका एक आँख में तीर है, एक आंख में खून है, तीर निकाल दीजिए ताकि चलते चलते खून साफ कर दीजिए, ताकि चलते चलते आपकी ज़ियारत कर लूं। किसी जाकिर ने कुम के बाद इसी चीज को पढ़ दिया, बुजुर्ग थे, उन्होंने बाद में कहा बेटे बहुत रोए सुन के मसाइब को, फिर कहने लगे ऐसी सख्त मुसीबतें मत पढ़ा करो जिनकी सनद कोई बहुत कवी ना हो। तो वो छोटा था चुप हो गया, जिन्होंने टोका था वो बुजुर्गवार फरमाते रात को ख्वाब में देखा हजरत अब्बास को तशरीफ लाए हैं, फरमाते तुम करबला में थे, मैं बताऊं तीर का किस्सा क्या? जी। फरमाया जब मेरे दोनों बाजू कलम हो गए तो इतने में आन के आंख में एक तीर लगा, हाथ होता तो हाथ से निकाल लेते, पहले सर को जुम्बिश थी, जब तीर में निकला तो तरीका ये सोचा सर झुका के सानुओं से दबा के सर उठा ले ताकि तीर निकल जाए, के इतने में पीछे से कुर्स पड़ा, हजरत का सर शिनाफ्ता हुआ,
घोड़े से जमीन पर आए या खान अंधेरे भाई भाई से बातें कर रहा तमाम के इतने में एक हिचकी ली, मौत का पसीना आया, हजरत अबुल फजल की रूह परवाज कर गई। वो इमाम जो सानुओं पे सर रखे मोहब्बत से बातें कर रहे थे, इमाम की बेचैनी देखे गया, सर रख दिया जमीन पर, खड़े हो गए, कमर पे हाथ रखते हैं, आसमान की तरफ रुख करते, भैया कमर टूट गई, भैया तदबीर की राहें बंद, एक दो बार नहीं, रिवायतें कहती है बार बार उठते थे, आसमान को तकते थे, कमर पे हाथ रखते थे, अपने आप को अब्बास के लाशे पे गिरा देते थे, भैया कमर टूट गई, तदबीर की राहें बंद। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ مومنین و مومنات مخصوصاً و محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود جتنے بھی مرد و عورت ہیں ہم سب کے مرحومین کے روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔